नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। नए साल के पहले दिन ही जनता को झटका, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। नए साल यानी पहले दिन 1 जनवरी 2023 को जनता की जेब को झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। प्रत्येक सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि हुई है। पूरे देश में कमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह बदलाव हुआ है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए साल में कर्मचारी बढ़ाएंगे सरकार की टेंशन। मध्य प्रदेश की सरकार को नए साल में कर्मचारी टेंशन देने वाले हैं। संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। 6 जनवरी को बिजली कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। संविदा बिजली कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे। 9 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन करेंगे। अतिथि विद्वानों के लिए नए साल का तोहफा, सरकार ने सीधी भर्ती को लेकर दिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के साल के पहले दिन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 32 साल पुराने मध्य शैक्षणिक सेवा महाविद्यालय शाखा भर्ती नियम 1990 में बदलाव कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी गई है। एमपी में महंगी नहीं होगी शराब, चुनावी साल में नई दुकानें भी नहीं खोलेंगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में शराब महंगी नहीं होगी। 2023 की नई आबकारी नीति में सरकार शराब पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ा रही है। साथ ही इस बार कोई भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी, न ही आहाते खुलेंगे। चुनावी साल होने के बाद इस बार आबकारी नीति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। आबकारी विभाग के ड्राफ्ट के मुताबिक लाइसेंस फीस 10% बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव किया गया है। अंग्रेजी के लिए सबसे ज्यादा 200 वैकेंसी, इस बार परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी होगा। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में 36 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की 1669 पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे ज्यादा 200 पद अंग्रेजी विषय में हैं। इस बार उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंटरव्यू से गुजरना होगा। पिछली बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती की गई थी, लेकिन इस बार अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश के 21 फ्लाईओवर के लिए इसी माह शुरू होगा सर्वे। केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना के तहत प्रदेश के 10 जिलों ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, सागर, जबलपुर, रतलाम, खंडवा, धार, टीकमगढ़ और विदिशा में प्रस्तावित 21 फ्लाईओवरों के लिए जनवरी में सर्वे की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संभागीय प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्य के लिए चेन्नई के L&T इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड को 3.59 करोड़ रूपये की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी प्रस्तावित स्थलों का जायजा लेकर फ्लाईओवर निर्माण की संभावनाएं देखेगी। 250 स्टॉल पर दिखेगी मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। आयोजन में होने वाले अतिथियों को मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा से अवगत कराया जाएगा। इसमें 250 स्टॉल रहेंगे। 5 दिवसीय सम्मेलन में औद्योगिक प्रदर्शनी में स्टार्टअप एरिना रहेगा। इसे स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी रहेगी। साथ ही स्टार्टअप के प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के पास होगा अपराधियों की रेटिना से लेकर डीएनए तक का डेटा। मध्य प्रदेश पुलिस अब गिरफ्तार व्यक्ति का रेटिना से लेकर डीएनए तक का डेटा 75 साल तक रिकॉर्ड में रख सकेगी। केंद्र सरकार ने 120 वर्ष पुराने अपराधियों की पहचान कानून 1920 की जगह नया कानून दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 लागू किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश गृह विभाग ने राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल को क्षेत्राधिकार में रेटिना से लेकर डीएनए तक का डेटा संग्रहण करने के लिए अधिसूचित किया है। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, गिरेगा मावठा। जनवरी से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। जनवरी को भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। एमपी मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले हफ्ते में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी, शीतलहर चलने की संभावना है। भोपाल में सितंबर में पूरा होगा मेट्रो का काम, इंदौर में साल सिर्फ ट्राई।
नए साल में विधानसभा चुनाव के पहले भोपाल में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। भोपाल इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल में पहले ट्रायल और लोकार्पण होगा। वहीं स्थानीय दिक्कतों के चलते इंदौर में 3 महीने बाद लोग मेट्रो की सवारी करेंगे। इंदौर में दिसंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल हो जाएगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।